प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम कहती हूँ और आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। हालेलुया, मैं इवेंजलिस्ट विनीता फ्रॉम न्यू दिल्ली प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबके बीच में हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उसने आज के दिन में और आज का ये वक्त दिया कि मैं अपने परमेश्वर को महिमा दे सकूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम, ये एक सही समय है कि हम अपने मनों को परमेश्वर के लिए तैयार करें। मैं धन्यवाद करती हूँ मसीह मंडली पेज का, जिन्होंने मुझको एक बार फिर से अपने इस रिस्पेक्टिव पेज पर आने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने ब्रदर अनुपम डेविड का, उनकी पत्नी का, जिन्होंने बड़े प्रेम भाव के साथ मुझको बुलाया ताकि मैं आप लोगों के साथ मिलकर अपने परमेश्वर को महिमा दे सकूं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और आप सबका धन्यवाद जो इस समय ज्वाइंट हो रहे हैं या ज्वाइंट होंगे। आप सबको प्रभु बड़ी महिमा के साथ इस्तेमाल करें और आप सबके मन पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किए जाएं। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने बीच में होली स्पिरिट का स्वागत करेंगे, बिकॉज दिस इज राइट टाइम दैट द होली स्पिरिट इज गोइंग टू टेक चार्ज ओवर दिस प्लेस। हालेलुया, आइए अपनी आँखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुड इवनिंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आज की शाम हम आपका स्वागत करते हैं। वी इनवाइट यू होली स्पिरिट अमंग अस, हमारे बीच में आपका स्वागत है। हम मिलकर यीशु को महिमा दें, हम मिलकर पिता को महिमा दें ताकि हमारी महिमा आसमान तक पहुंचने पाए। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक को आशीष दे, बरकत दे। जो जुड़ना चाहते हैं प्रभु, आप उनको जोड़ें। प्रार्थना करती हूँ आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु, आशीष दे, ब्लेस करती हूँ उस पेज को, ब्रदर को, सिस्टर को प्रभु, और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू में कवर करती हूँ। आज बोलने वाली मैं नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा आप है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आगे की सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सच में प्रभु बहुत महान परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम जितना परमेश्वर की तारीफ करें, हम जितना प्रभु को महिमा दें, हम जितना उसके नाम की बढ़ाई करें, उतना कम है। आप और मैं इसलिए जिंदा नहीं है कि हम तीन टाइम खाना खाते हैं। आप और मैं इसलिए भी जिंदा नहीं है कि हम बड़े अच्छे वर्कआउट्स करते हैं। आप और मैं इसलिए भी जिंदा नहीं है कि हम गर्मी से बचने के लिए एसी के अंदर हैं। आप और मैं इसलिए जिंदा हैं, 2022 में हम इसलिए आए हैं क्योंकि परमेश्वर आप और आपके जीवन से और मेरे जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहता है। इसलिए हम नाश नहीं हुए, इसलिए हम मिट नहीं गए, इसलिए 2021 में हमारी आंखें नहीं मिची, क्योंकि 2022 परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में जोड़ना चाहता था। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें और सिर्फ यीशु के नाम को महिमा दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। सच में प्रभु बहुत महान है। और आज के वचन में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने मनों को तैयार करें, इससे पहले कि वचन का बीज बोया जाए, इससे पहले कि वचन आपके हृदय को टच करे। मैं चाहती हूँ कि अपने हृदय को, चाहे कोई भी वरीज हैं, चिंताएं हैं, फिक्र हैं, किसी भी तरीके की कोई भी आपके सामने कोई ऐसी रुकावट है, इस समय सब चीज़ों को प्रभु के हाथों में दीजिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वह आपके मन से आज की शाम को बात करें। आप यूं ही इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन गए। यू आर नॉट जॉइंड विद एक्सीडेंट, यू आर जॉइंड विद द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की योजना में होकर आप मेरे साथ जुड़े हैं। इस बात को याद रखें और अपने मन को तैयार करेंगे। हालेलुया। और आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है, जो मेरे और आपके लिए आशीष का कारण है, और वो वचन है फिलिपियो 4:4, और उसके आगे तक हम पढ़ेंगे फिलिपियंस 4:4। और यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपके साथ पढ़ूंगी फिलिपियो 4:4। थैंक यू जीसस। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों के ऊपर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया। आज का ये वचन
हम सबके लिए है, आपके लिए ही नहीं मेरे लिए भी है। प्रभु का वचन आज उन सब लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं खुश रहने के लिए, जो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं एक मुस्कुराहट, एक इंटरनल पीस को पाने के लिए, लेकिन खुशी नहीं है। समटाइम्स मेरे प्रियो, हम आनंद को और खुशियों को दुनिया की चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार फैमिली गेट टुगेदर, कई बार थिएटर्स, कई बार कहीं बाहर जाकर घूमना, इन सब चीज़ों में हम कई बार अपने आनंद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि बाहर जाना या फैमिली के साथ इंजॉय करना बुरी बात है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। जो जॉय, जो रिजॉयसनेस आपको प्रभु के अंदर मिल सकती है, वो रिजॉयसनेस आपको किसी और जगह नहीं मिलेगी। दैट्स फैक्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉयस, रिजॉयस इन द लॉर्ड। और इसको लिखने वाला कोई और नहीं, इसको लिखने वाला अपोस्टल पॉल है। पॉलुस लिख रहा है इस बात को, एक बड़ी, बहुत बड़ी बात है कि प्रभु में आनंदित रहो। ये वो शख्सियत लिख रहा है, वो व्यक्ति लिख रहा है जो चारों तरफ से दुखों से और मुसीबतों से घिरा हुआ आदमी था, और वो अपने कलम से इस बात को लिख रहा है। जब आप फिलिपियों की पत्री के पृष्ठभूमि पे जाते हो, बैकग्राउंड पे जाते हो, यू विल कम टू नो, आपको पता चलेगा कि फिलिपियों की जो पत्री लिखी गई, ये फिलिपियों की जो एपिस्टल लिखी गई, ये उस समय लिखी गई जब पॉलुस वॉज इन जेल, जब पॉल जेल के अंदर था। जेल के अंदर होते हुए पॉलुस ने इस पत्री को लिखा मेरे प्रियो, और क्या लिख रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। और लिखने वाले की कंडीशन जब आप जानेंगे, जब आप इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं, जब आप पढ़ते हैं उस समय की और भी जो अटैच्ड बुक्स हैं, आप जब पढ़ते हैं, स्कॉलर्स बताते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि पॉलुस जिस जेल के अंदर था, जिस सेल के अंदर था, वो एक ऐसा सेल था, एक ऐसा जिसको हम अंडा सेल भी कह सकते हैं, एक ऐसा सेल था, एक ऐसी जेल थी जो मुश्किल से 7x8 की थी। जो लोग वहाँ देख कर आए हैं कुरिन्थियंस में, जो लोग वहाँ पर देख कर आए हैं, जो आज भी वो जेल वहाँ पर मौजूद है, जो जाते हैं देखने के लिए, वो इस बात को बताते हैं कि जिस जेल के अंदर पॉलुस को बंद किया गया था, इट वॉज लाइक 7x8 या छोटी सी जेल जिसपे कोई इंसान मुश्किल से खड़ा हो सकता है, बहुत मुश्किल से खड़ा हो सकता है कोई व्यक्ति उस जेल के अंदर, उस प्रिजन के अंदर। और दूसरी विशेषता क्या थी मेरे प्रियो उस जेल की, कि शहर का गंदा पानी, गटर का गंदा पानी उन दिनों रोमन साम्राज्य के द्वारा, रोमन एम्पायर्स के द्वारा, उन दिनों गटर का गंदा पानी उन जेल्स के अंदर डाला जाता था ताकि कैदी उसमें छटपटाएं, और वो बीच बीच में छोड़ा जाता था। शहर का सारा गंदा पानी उन जेल्स के अंदर से, उनके पैरों में से होकर निकला करता था ताकि वो और छटपटाए, और ज़्यादा व्याकुल हो, और अपनी इस सज़ा को और ज़्यादा टर्मोइल होकर सह सकें। ये उनकी एक विशेषता थी। अब तो खैर ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी, ह्यूमन राइट्स ने आकर इन सब चीज़ों को बंद कर दिया है कि इस तरीके से प्रिजनर्स को लानता नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम जब पॉलुस था, और जब पॉलुस इस पत्री को लिख रहा था, और बहुत प्यारे तरीके से उसने लिखा, मैं आपसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉयस इन द लॉर्ड। एक ऐसे रिजॉयस के बारे में पॉलुस बात कर रहा था, एक ऐसे आनंद के बारे में बात कर रहा था जिसे संसार आज भी नहीं जान सकता मेरे प्रियो। और लिखने वाला वो व्यक्ति था जो चारों तरफ से अत्याचार सह रहा था, जो चारों तरफ से दुख उठा रहा था, प्रिजनर्स के साथ में जो व्यवहार उस समय में किया जाता था, पॉलुस उस दुख को उठा रहा था। ये वो पत्री थी, आपको मालूम होगा कि पॉलुस ने अपनी ज्यादातर पत्रियां जेल के अंदर लिखी हैं। वो बहुत कम कलीसियाओं का मुंह देख पाया, वो बहुत कम जेल से बाहर गया, लेकिन जो भी समय उसका जेल में बीता, उस जेल के अंदर रहते हुए उसने परमेश्वर को महिमा दी और इन पत्रियों को लिखा, स्पेशली ये फिलिपियंस को जो पत्री लिखी इसने फिलिपियों के नाम, ये जेल के अंदर लिखी गई पत्री है। और उस पत्री के दौरान उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ
प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, आज हमारा टॉपिक है, क्या हम आनंदित हैं? आर वी होपफुल और आर वी जॉयफुल? आर क्या हम रिजॉयस हैं अपने आप में? हम मेकिंग, वी आर फीलिंग रिजॉयस? क्या हम फील कर रहे हैं कि हम रिजॉयस अपने जीवन में रिजॉयस को फील करते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं इस संसार के अंदर मेरे प्रियो, जो हमारे जॉय को छीनना चाहती हैं, हमारे आनंद को छीनना चाहती हैं, हमारे आनंद को चुराना चाहती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जगह, अगर आप डेली डे टू डेली लाइफ के अंदर अगर आप देखें तो जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के साथ सबसे पहले हमारे सामने हमारे पूरे दिन भर का स्केड्यूल होता है कि आज दिन भर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें आनंदित करेगी, जो चीज़ें हमें आनंदित करती हैं, जो हमें अच्छा लगता है कि हमें इसमें आनंद मिलेगा, हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। हम उन चीज़ों को चेस करते हैं, उन चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, हमें लगता है ये चीज़ें हमें आनंदित कर देंगी। लेकिन बाय चांस वो आनंद अगर बिगड़ जाए, वो आनंद अगर आपका खराब हो जाए, आपने सोचा था मुझे ये आनंद मिलेगा, आपको लगा ये काम मैं ऐसा करूंगा इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं वहां जाऊंगा सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन बाय चांस अगर वो काम बिगड़ जाए तो आपका आनंद नहीं बना रहता, क्योंकि आपका आनंद जो है ना वो उस काम पे डिपेंड करता है। आपका आनंद जो है ना किसी इंसान के मिलने पे डिपेंड करता है। आपका आनंद जो है ना वो किसी इंसान की स्माइल पर, अप्रूवल पर, किसी के फ़ोन पर, किसी के मैसेज पर, किसी के इनविटेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा आपका आनंद प्रभु पे डिपेंड नहीं करता। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर हम संसार की ओर देखें तो संसार जॉयफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को उसने ढूंढ लिया है, बहुत सारी चीज़ें उनको जॉयफुल करती हैं। वो सोचते हैं शायद हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम असेट्स बना लेंगे, संपत्ति को बना लेंगे, बढ़ा लेंगे, तो शायद वो हमें जॉयफुल कर दे, हमें आनंदित कर दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, अगर इंसान उस चीज़ों को भोग ही ना पाए, उनमें उनके अंदर सर्वाइव ही ना कर पाए, तो उस संपत्ति का और उस तमाम चीज़ों का कोई भी फायदा नहीं। पौलुस कहता है प्रभु में आनंदित रहो। आज मेरा और आपका आनंद, अगर हमें कहीं आनंद मिल सकता है, अगर हम कहीं कहीं पर हम आनंद ले सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु में है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु में है। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं, मैं आपके साथ आगे पढ़ना चाहूँगी, और यहाँ पर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और यहाँ पर हम आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मैं तुमसे फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो, और प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहना ही हमारे लिए सबसे मेन और विशेष बात है। लिखा है, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि, एक बार फिर से मैं आपके साथ पढ़ूंगी, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया। आपको पता है, जब आप आनंदित होते हैं, देन योर स्पिरिट इज माइल्ड, देन योर स्पिरिट इज जेंटल। अगर आप आनंदित रहे नहीं है ना, तो आपकी जो स्पिरिट है ना अंदर, वो बड़ी क्रूशियल हो जाती है। याद रखिए, जब कभी आप आनंदित हैं, आपने देखा आपका वे ऑफ टॉकिंग बदला हुआ होता है। जब आप आनंदित होते हैं, आप अपने कलीग्स के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, वाइफ के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बिजनेस में, अपने क्लाइंट्स के साथ में, क्योंकि आप आनंद से भरे हुए हैं। और प्रभु का वचन बताता है कि मैं, पौलुस ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंदित रहने से ही आपकी कोमलता जो है, आपकी जो जेंटलनेस है, वो लोगों के ऊपर प्रकट होगी। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप आनंदित नहीं है ना, आप कभी भी माइल्ड स्पिरिट नहीं बन सकते, जेंटल स्पिरिट नहीं बन सकते। हमारा आनंद ही हमारे अंदर जेंटलनेस को पैदा करता है। हालेलुया। अगर हम आनंदित हैं, अगर हम खुश हैं, यही हमारे अंदर एक जेंटलनेस को पैदा करेगा। और दूसरी चीज़ हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों के ऊपर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर निकट है, याद रखिए। हमारा जॉय, हमारा आनंद कोई भी हमसे चुराने ना पाए। परमेश्वर दरवाजे पे खड़ा है, ही इज़ नॉकिंग एट द डोर। आज हम किस बात को लेकर अपना आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं?
मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता आज बहुत सारे लोगों ने अपने आनंद को कहीं मार दिया है। आज मैं लोगों के जीवन में देखती हूँ, दे आर लैकिंग जॉय इन देयर लाइफ। उनके जीवन में जॉय नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है। एक ऐसी लाइफ को लोग बिता रहे, आर्टिफिशियल आनंद लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन जब वो अकेले लेटते हैं, अकेले होते हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद इन हिमसेल्फ, दे आर नॉट हैप्पी विद इन देमसेल्फ्स। वो खुद में आनंदित नहीं है, वो आनंद कहाँ है? आज पौलुस कहता है प्रभु में आनंदित रहो। कहने वाला वो नहीं जो सिंहासन पे बैठ के लिख रहा हो, कहने वाला वो नहीं जो बड़ी लग्जूरियस लाइफ को जी रहा हो, कहने वाला वो है जो अपने लिए, जो बेड़ियों से बंधा हुआ था, जो गंदगी में पड़ा हुआ था, जो अत्याचार सह रहा था, जो टॉर्चर सह रहा था, मसीह के खातिर खुद को कूड़ा समझने वाला व्यक्ति इस बात को लिखता है और कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारा आनंद कहीं और नहीं बन सकता, तुम्हारा आनंद मसीह में है, प्रभु में है, क्योंकि मसीह निकट है, प्रभु निकट है, और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य के ऊपर प्रकट हो जाए। अगर आप आनंदित होगे तभी आपके अंदर कोमलता निकलेगी। याद रखिए, अगर आप आनंदित नहीं हैं आपके अंदर कोमलता भी प्रकट नहीं होगी। बहुत बार लोग आनंदित होने का दिखाते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी रिजॉइसिंग मूड, वी आर वेरी जॉयफुल मूड, लेकिन उनकी व्यवहार बता देता है वेदर दे आर इन जॉयफुल मूड, वेदर दे आर रिजॉइसिंग और दे आर कर्सिंग, बता देता है उनका व्यवहार। तभी बाइबल में साफ लिखा है यहाँ पर कि किसी और लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य के ऊपर प्रकट हो, प्रभु निकट है। और छठी बात में लिखा है, छठी वर्स में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तीसरी चीज जो पौलुस यहाँ लिखता है, पहली चीज उसने लिखी कि आनंदित रहो, पहली चीज आनंदित रहो, कोई तुम्हारे आनंद को न चुराने पाए। कल क्या होगा, कल कैसे होगा, हम क्या करेंगे, किसी भी बात की चिंता मत करो। दूसरी चीज पौलुस कहता है कि तुम्हारा जो कोमलता है, जो तुम्हारी माइंडनेस है, जो तुम्हारा सॉफ्ट एटीट्यूड है, वो लोगों के ऊपर प्रकट हो जाए कि तुम कितने आनंदित हो प्रभु में। तुम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, तुम अग्रेसिव नहीं होते, तुम कड़वा सुन के कड़वा जवाब नहीं देते, क्योंकि तुम्हें पता है देयर इज पीस इनसाइड ऑफ योर हार्ट, क्योंकि आपको पता है कि प्रभु की शांति है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं कड़वा सुन के कड़वा जवाब दूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला मुझे गाली बक रहा है तो मैं भी उसी लैंग्वेज में उससे बात करूँ। आई डोंट केयर, वो जो बोल रहा है उसे बोलने दो, जो मेरे पास है मैं उसमें होकर उसको जवाब दूंगा। दैट इज़ अ ट्रू क्रिश्चियनिटी, दैट इज़ अ ट्रू डिसाइपलशिप। मेरे प्रियो, यही सच में एक प्रेरिताई की आत्मा है, और यही सच में परमेश्वर के नाम को महिमा देने का एक तीसरा कारण है। तीसरी बात जो लिखी है वो लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आज मैं जानती हूँ लोग क्यों नहीं हैप्पी हो पाते, क्यों रिजॉयसफुल नहीं हो पाते, बिकॉज दे हैव मैनी वरीज इन देयर लाइफ। उनके जीवन में बहुत सारी चिंताओं का विषय है, इसलिए वो खुश नहीं हो पाते। सुबह से लेकर रात तक डिफरेंट वरीज एंड प्रॉब्लम्स को वो सोचते हैं और वैसे ही तस्वूर करते हैं, और वही चीज़ें उनके सामने आ जाती हैं। बाइबल बताती है जैसा तू सोचता है तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। चिंता करते हैं, दुखी होते हैं, इसके बजाय कि प्रार्थना करें। और बाइबल हमें साफ बताती है, यहाँ पे लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, यीशु मसीह ने भी कहा किसी भी बात की चिंता मत करो। पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो। आज हमारे दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण है चिंता, वी आर वरिंग। और मैं आपको बताना चाहूँगी चिंताएं क्या क्या हम करते हैं। सबसे पहली चिंता जो हर इंसान के अंदर होती है वो ये होती है कि जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा हमारे बाद, क्या होगा, जो हमने इतने एसेट्स बना लिए, इतने महल खड़ा कर लिया, इतने घर खड़े कर लिए, क्या होगा। इस बात की चिंता करते करते इंसान दुखी रहता है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ देयर वरी और डिप्रेशन इज दैट दे आर थिंकिंग अबाउट देयर डेथ।
एंड आफ्टर डेथ क्या होगा, हम पीछे क्या करेंगे, इन सब चीजों को लेकर वो दुखी रहता है और अपना आनंद चुराने देता है, अपना आनंद छीनने देता है. क्या होगा व्हेन आई विल लीव दिस वर्ल्ड, क्या होगा जब मैं दुनिया को छोड़ूंगा, क्या होगा मेरे पीछे, मेरे बच्चों का क्या होगा, इस संसार का क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, ये सबसे बड़ी चिंता है आज इंसान की. इंसान सबसे बड़ा दुखी इसी बात से है क्योंकि वो संसार को छोड़ना नहीं चाहता. वो ये सोचता है जो मैंने बना लिया, जो मैंने रच लिया, मैं इसमें अनंत काल तक बसने पाऊँ, आनंद लेने पाऊँ, क्योंकि मेरी कमाई का बना है, मैंने बनाया है, मुझे मिला है, मुझे पूरा इंजॉय करने का अधिकार है. और इस चिंता में दुखी रहता है, घुलता रहता है, आनंद को चुनने देता है, छीनने देता है. शैतान पूरा फायदा उठाता है इस बात का कि हम ये सोचते रहें व्हाट विल हैपन आफ्टर माय डेथ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा. और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे साथ निकालेंगे सेकंड कुरिन्थियंस एंड चैप्टर 5, इसी समय निकालेंगे और प्रभु इस बात का जवाब आपको देता है. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां चैप्टर यहाँ लिखा है, यदि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं पर चिरस्थाई है. हालेलुया. किस बात की चिंता करते हैं मैं और आप? जब प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, हम चिंता करते हैं क्या होगा प्रभु, मैं मर जाऊंगा, मेरे पीछे क्या होगा. प्रभु का वचन साफ कहता है कि इस पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर जब गिराया जाएगा ना, चिंता मत करो, प्रभु तुम्हें बीच में नहीं छोड़ेगा, प्रभु तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा. अगर यह वाला घर, इस घर को, इस डेरे को प्रभु गिरा रहा है, अगर ये डेरा गिराया जा रहा है, तो प्रभु का वचन कहता है तुम्हें हाथों से स्वर्ग में जो परमेश्वर ने बनाया है तुम्हारे लिए एक मुकाम खड़ा है, मेंशंस बना के रखे हैं खुदा ने आपके लिए. Why you worry about you? Why you worry about your life? Why you worry about your children? किस बात के लिए चिंता करते हो? अपनी चिंता तो बिल्कुल ना करें कि क्या होगा. साफ कहता है बाइबल, साफ कहता है परमेश्वर का वचन कि जो हाथों से बनाया हुआ नहीं पर चिर स्थाई है, इसमें तो हम करहाते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि हम अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि हम इसे पहनने से नंगे ना पाए जाए. हालेलुया. हम कराते रहते हैं इसके अंदर, साफ बाइबल बताती है हम कराते हैं, हम दुखी रहते हैं, हम सोचते हैं क्या होगा. डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे सामने एवरी डे आती हैं. याद रखिए, जब तक आप इस शरीर के अंदर है ना, दुख और तकलीफ आपके दरवाजे खड़े रहेंगे. जब तक आप इस मिट्टी के शरीर के अंदर हैं, आप सारे दुखों से होकर गुजरेंगे. बीमारियां भी आएंगी, डिप्रेशन भी आएगा, फेलियर्स भी आएंगे, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगा, क्योंकि हमें इसमें से होकर गुजरना है. लेकिन प्रभु का वचन कहता है ढांढस बांधो, परमेश्वर ने इस संसार को, यीशु मसीह ने जीत लिया है. सबसे बड़ी चिंता जो मैंने आपको बताई कि लोग यही कहते हैं कि क्या होगा, ये एक चिंता है. हम इस बारे में दुखी रहते हैं, रिजॉइस नहीं कर पाते, आनंदित नहीं रह पाते. हम अपने शरीर के लिए, अरे हम अपने शरीर में होकर शरीर के लिए सोचते रहते हैं, दुखी रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं. क्या होगा अगर मैं मर जाऊंगा, क्या होगा मैं मर जाऊंगा. कुछ नहीं होगा जब आप मर जाएंगे. सबसे पहली बात, आप मरेंगे नहीं, आप सो जाएंगे प्रभु के अंदर. और प्रभु कहता है अगर मैं इस डेरे को गिराऊंगा ना, तो मैं तुझे वो डेरा दूंगा, वो मुकाम दूंगा जो हाथों का बनाया हुआ नहीं है. इट इज़ मेड बाय गॉड, ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है. सो बी चीयरफुल, आनंदित रहिए प्रभु में, खुश रहिए प्रभु में, क्योंकि प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करने जा रहा है. दूसरी चिंता जो हम इस संसार के अंदर करते हैं, हम बीमार हैं प्रभु, मैं बीमार हूँ. हमारे को अगर कहीं दर्द होता है, अगर हमारा हल्का सा भी यहाँ दर्द हो जाए, हमारा आनंद चुर गया. पूरे दिन हम सोचते रहते हैं अब मेरे दर्द क्यों उठा, अगर मैं एंजियोग्राफी कराऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई बीमारी आ जाए. डॉक्टर के पास मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, डॉक्टर तो मुझे गलत रिपोर्ट देगा. हम ये सोचते 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 बीमार पड़ जाते हैं, हमारा आनंद चुर गया. शैतान छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने रिंग के समान डालता है. वो तैयार करके रखता है, रात भर वो ये सोचता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले वो आपके ऊपर कौन सा रिंग डाले कि आप पूरी तरीके से मायूस हो जाएं, व्याकुल हो जाएं. लेकिन हर चीज़ का जवाब आपको बाइबल के अंदर मिलता है. अगर आप कोई तकलीफ को महसूस करके दुखी हैं, आपको लग रहा है मेरा बीपी हाई रहता है, मुझे ये बीमारी रहती है, मुझे वो बीमारी रहती है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग. पहला पत्रस में साफ लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, पत्रस ने लिखा
कि उसी के मार खाने के द्वारा तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। बना लीजिए इसको अपनी ढाल, बना लीजिए इस वचन को अपनी ताकत। उसके मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उस चंगाई को पकड़ लो, उन चीजों को मत देखो जो शरीर दिखा रहा है। शरीर सबसे पहले धोखा देने वाला अस्तित्व है। शरीर का मतलब है यह आपको धोखा देगा। सबसे पहले शरीर धोखा देगा। शरीर की बातों में मत आओ। शरीर ये बोलेगा तू बीमार है, शरीर कहेगा थोड़ी देर और सो जा, शरीर कहेगा तू उठ नहीं सकता, शरीर आपको और डंप करेगा, शरीर कहेगा आज मत कर कल कर लेना, क्योंकि शरीर धोखा दे रहा है आपको। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। उसने तुम्हारे लिए मार खाई है, अपना बदन तुड़वाया है, कोड़े खाए हैं, छलनी छलनी कराया उसने अपने आप को। इसलिए नहीं कि आप अपने आप को बीमारों की कैटेगरी के अंदर रखो, इसलिए कि आप ये कह सको आई एम हील्ड बाय योर स्ट्राइप्स जीसस, आई एम हील्ड बाय योर स्ट्राइप्स। मैं आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगा हूँ, मैं डॉक्टरी रिपोर्ट के द्वारा चंगा नहीं हूँ, मैं शरीर के सिम्टम्स के द्वारा चंगा नहीं हूँ, मैं प्रभु आपके नाम में चंगा हूँ, क्योंकि यीशु ने मेरे लिए अपनी बॉडी को ब्रोक किया, तुड़वाया है। हालेलुया। ये दूसरा रीज़न है कि लोग परेशान रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, चर्च में मिलते हैं और जगह मिलते हैं, मैं उन लोगों से पूछती हूँ आज आप बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? तो वो बोलते हैं कि सिस्टर क्या बताएं, अभी रिपोर्ट कराई थी, उसमें तो हमारा शुगर बहुत बढ़ा हुआ आया। एक शुगर के रिपोर्ट में आने से देयर जॉय हैज़ बीन स्टोलन। एक शुगर की रिपोर्ट के आ गई, उनका जॉय छिन गया, उनकी मुस्कुराहट छिन गई, उनका आनंद छिन गया, उनको मृत्यु दिखाई दे रही है। ये सब वो भूल गए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर वचन आपका आधार है ना, मैं सच बता रही हूँ, अगर वचन आपका आधार है, यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड, आप कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। अगर वचन आपकी ताकत है, इफ़ द वर्ड इज़ योर वेपन, यू कैन नॉट बी डिफीटेड बाई एनी वन, आप कभी भी किसी के द्वारा भी डिफीट नहीं हो सकते। ये लोगों की चिंताओं का विषय है जो मैं आपको आज बता रही हूँ। दैट्स वाई देयर जॉय हैज़ बीन स्टोलन बाय एनिमी, बाय सैटन। यही रीज़न है कि शैतान उनके जॉय को चुरा रहा है, क्योंकि वो वचन के द्वारा उसको सुन नहीं पा रहे। प्रभु का वचन बताता है, रोमियो की पुस्तक में साफ लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं, हम कल के विषय में बहुत चिंता करते हैं, हमारा आनंद, हमारी खुशी जो सबसे पहले चुराई जाती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ टुमारो। कल क्या होगा, कल कैसे होगा, कल वो मेरे सामने कोर्ट केस है उसे मैं कैसे फेस करूँगा, कल जो मेरे सामने मुझे पे करना है उसे मैं कैसे पे करूँगा, कल मैं कैसे उस रिपोर्ट को फेस करूँगी, कल मैं कैसे करूँगी। कल एक सबसे बड़ा शत्रु है, याद रखिए, मेरे और आपके लिए। हम बड़े कल से डरते हैं। टुमारो इज अ फैटल, लाइक अ फैटल जायंट इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे लिए कल जो है एक बहुत बड़ा जायंट बन चुका है। संसार के लोगों के लिए होगा तो होगा, लेकिन जो हम विश्वास में हैं, जो हम प्रभु को जानते हैं, जिसने ये कहा कल के विषय में चिंता मत करो, जिसने कहा कल अपनी चिंता खुद कर लेगा, तू आज में जी ले, तो क्यों हम अपना आनंद और अपना जॉय चुरने देते हैं, छीनने देते हैं? कल चुरा रहा है, कल के लिए हमें कुछ नहीं पता, लेकिन कल में जी रहे हैं। कल क्या होगा, कल कैसे होगा, कल मैं क्या करूंगा? प्रभु का वचन कहता है कल के विषय में चिंता मत कर, आज के विषय में चिंता कर। आज तू क्या कर रहा है, आज तू अपनी लाइफ को कैसे बिता रहा है? शरीर के अनुसार चल रहा है? शरीर तुझे चला रहा है? शरीर तुझे सिम्टम्स दे रहा है? शरीर तुझे जो कह रहा है तू वो कर रहा है? लेकिन जो आत्मा कह रही है, आत्मा कह रही है यू आर हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स, आत्मा कह रही है कल के विषय में चिंता मत कर, गॉड इज गॉड ऑफ ऑलमाइटी, परमेश्वर सब चीजों को पूरा करता है, इज योर प्रोवाइडर गॉड, वो तेरा प्रोवाइडर है, तू कल के लिए क्यों चिंता करता है? हालेलुया। याद रखिए, बाइबल हमें बताती है पतरस ने पूरी रात पतरस ने पानी के अंदर, झील के अंदर जाल डाल के रखा, एक मछली भी उसको नहीं मिली। क्या पतरस मछली पकड़ना भूल गया था? या पतरस मछली पकड़ना नहीं जानता था? इट वॉज इज ऑक्यूपेशन, ये उसका एक व्यवसाय था जो उसके पिता की तरफ से उसको मिला था। बचपन से वो अपने पिता को मछली पकड़ते देखता था, उसको साइड्स पता थे, उसको किनारे पता थे, कौन से किनारे में मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। पूरी रात जाल डालने का मतलब है उसने एक एक किनारा, एक एक कोना छान मारा था कि शायद यहाँ मुझे मछली मिलेगी, लेकिन मछली नहीं मिल पा रही थी।
ही वॉज डिसअपॉइंटेड. वो सोच रहा था कल कैसे कटेगा, कल क्या होगा, कल मैं अपने बच्चों को क्या लेके जाऊंगा, क्या बेचूंगा, क्या बचाऊंगा और क्या घर में मैं पैसे लेकर आऊंगा कि मैं सर्वाइव कर सकूं. दैट वॉज हिज मेन कंसर्न. लेकिन बाइबल बताती है कि जैसे यीशु मसीह उसकी बोट के अंदर आया, सबसे पहले उसका डायरेक्शन बदल गया. हालेलुया. जब यीशु ने कहा दाहिने ओर जाल डाल, दाहिने ओर जाल डाला ही गया था कि इतनी मछलियां आ गई कि वो खींच ना सका. कल के विषय में चिंता कर रहा था, आज ही परमेश्वर ने कल के लिए पूरा कर दिया. हालेलुया. इतनी मछलियां आ गई, इतनी मछलियां आ गई, इतनी ब्लेसिंग्स आ गई कि उसे खींचने के लिए आसपास आजू बाजू के मछुआरों को बुलाना पड़ गया कि आ जाओ, पार्टेकर हो जाओ मेरी ब्लेसिंग के, पार्टेकर हो जाओ मेरी इन मछलियों के, तुम भी ले जाओ, ले जाओ, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है. ये है व्हाई यू वरी अबाउट टुमारो. क्यों कल के विषय में चिंता करना? कल के विषय में आपको और मुझे चिंता नहीं करना. ये कल ही हमारे जॉय को चुरा रहा है. आज आधे 80% लोग कल के वजह से दुखी पड़े हैं. आज भी बहुत सारे लोग कल के लिए सोच रहे होंगे, शायद उनका कल अपॉइंटमेंट हो, शायद कल उनका कोई केस हो, शायद कल उनकी कोई रिपोर्ट आनी हो, शायद कल कुछ और उनको हाँ या ना में जवाब मिलना हो या कुछ और हो. कल के लिए सोच सोच के आज दुखी हो रहे हैं और आज को जॉय इंजॉय नहीं कर पा रहे. लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब आप परमेश्वर में स्थिर रहते हो, प्रभु में स्थिर रहते हो, वचन में स्थिर रहते हो मेरे प्रियो, ये वचन आपके आनंद को चुरने नहीं देगा. नो वन कैन टेक योर जॉय, नो वन कैन स्टील योर जॉय इफ़ यू आर अबाइड विद द वर्ड ऑफ लॉर्ड, इफ़ यू आर अबाइड विद द वर्ड ऑफ गॉड. अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हुए हो, बने हुए हो, कोई आपके जॉय को चुरा नहीं सकता मेरे प्रियो. आज फैसला मेरे और आपके हाथ में है. पौलुस साफ कहता है इस बात को. फिर से मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगी और यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने अभी आपके साथ में पढ़ा, कि सच में प्रभु में सदा आनंदित रहो. मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो. हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह के अंदर ही पाया जाता है. और साफ लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. शांति को पाने का एक ही कारण है, इफ़ यू वॉन्ट टू हैव पीस इन योर लाइफ यू हैव टू बी जॉयफुल. आपको जॉयफुल रहना पड़ेगा, आनंदित रहना पड़ेगा. अगर आप आनंदित हो ना, परमेश्वर की शांति खुद चलती हुई आपके पास में आएगी, आपका आनंद कोई चुराने ना पाए. आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आनंद को चुरने देते हैं. समवन इज स्टीलिंग देयर जॉय. और वो आनंद को चुराने के बाद, जब उनका आनंद चुर जाता है, उसके बाद वो घर आते हैं और घर आने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन उनके बच्चों पे उतरती है, उनकी वाइफ पे उतरती है, वाइफ की हस्बैंड पे उतरती है, बच्चों के ऊपर उतरती है, घर का माहौल पूरा बदला हुआ होता है. क्यों? क्योंकि आनंद तो बीच में ही चुरा लिया गया. आपका आनंद तो कोई चुरा के ले गया. अब आप तो खाली आए हो, ना आनंद है, ना कोमलता है, ना शांति है, ना प्रार्थना है, कोई चीज़ नहीं बची आपके पास. बी अवेयर, सावधान हो जाओ, कोई आपके आनंद को चुरा रहा है. अपने आनंद को चुरने मत दो. एक ऐसा व्यक्ति जो जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम पॉल था, पॉलूस था, जो पूरी तरीके से डिवोटेड था ज्यूइश कल्चर के लिए, अपने ज्यूइश ट्रेडिशन को पूरा करने के लिए, यहूदियों की परंपराओं को निभाने के लिए डिवोटेड आदमी था, जो मसीह पंथ के लोगों को सताया करता था, स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को जेल में बंद कर दिया करता था. आज वो जेल के अंदर बैठकर मसीह को जानने के बाद जेल में बैठा है और आनंद की बात कर रहा है और आपसे भी कह रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो. मैं फिर से कहता हूं मेरी बेटी प्रभु में आनंदित रहे, मेरे बेटे प्रभु में आनंदित रहे, तेरा आनंद कोई चुराने ना पाए. आपका आनंद कोई चुरा नहीं सकता. याद रखिए, शैतान आपको झूठी चीजें दिखाता है. ही वॉन्ट्स टू स्टील योर जॉय. वो चाहता है चुराना, लेकिन तब तक नहीं चुरा सकता जब तक आप उसको राइट्स ना दे चुराने के. राइट्स आपके पास में है, मैं आपको बताना चाहूंगी. अधिकार आपके हाथ में है. आप उसको दे सकते हैं तो दे दे, वो चुरा के ले जाएगा और आपको ऐसे छोड़ देगा जैसे कि एक मरा हुआ इंसान जिसके अंदर आनंद नहीं है. ही इज लाइक अ डेड बॉडी. जिसके अंदर आनंद नहीं है वो मरे हुए के समान है. आप अनुभव कर सकते हैं जिस दिन आपके अंदर आनंद नहीं होता,
जिस दिन आप खुश नहीं होते, आपको ऐसा फील होता है जैसे आपके अंदर आत्मा नहीं है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े डिप्रेस होते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है हमारे अंदर स्पिरिट ही नहीं है, हम तो लाइक ए डेड बॉडी मशीन की तरह चल रहे हैं। लेकिन जिस घड़ी आपके अंदर आनंद आता है, आपको लगता है कि मैं तो शहरपनाह को लांग जाऊंगा, मैं बड़े बड़े काम कर लूंगा, क्योंकि वो आनंद आपके अंदर है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा आनंद कोई चुराने ना पाए। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील में कि देखो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीतने का मतलब है संसार के अंदर पाए जाने वाली हर चीज़ को यीशु ने स्टेप बाय स्टेप जीता है। हर चीज़ को यीशु मसीह ने संसार के अंदर की मेरे लिए और आपके लिए जीता है, इसलिए उसने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अब संसार में है क्या जीतने के लिए? सबसे बड़ी बात है, संसार के अंदर जब आप आते हो, जैसे आप माँ के गर्भ के अंदर आते हो, इट इज़ अ डार्केस्ट प्लेस, सबसे डार्केस्ट प्लेस होता है, जहाँ आपको नहीं पता कि आप कहाँ हो, आप होश में भी नहीं हो, माँ को भी नहीं पता अंदर गर्भ में बच्चे का निर्माण हो गया और आप उसके अंदर हो। सबसे ज़्यादा एक जो डार्केस्ट प्लेस है वो हमारे माँ का गर्भ है। जब हम माँ के गर्भ में सुरक्षित होकर बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया में आते हैं, आप मान सकते हैं जो परमेश्वर आपको माँ के गर्भ में सुरक्षित रखता है वो आपको संसार के अंदर छोड़ देगा? संसार भी माँ के गर्भ से कम नहीं है। अचानक चीज़ें बनती और बिगड़ती हैं यहाँ पर, जैसे माँ के गर्भ में अचानक चीज़ें बनती हैं, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या क्या चीज़ें जॉइंट हो जाती हैं बच्चा जब बनता है। ऐसे ये संसार है, ये संसार भी एक ऐसी चीज़ है, डार्केस्ट प्लेस है, हमें नहीं पता। जिस परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ में नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर आपको संसार में क्यों छोड़ेगा? और आपके लिए एक सहायक दिया उसने, यीशु दे दिया, ताकि आपको डर ना लगे, ताकि आप भयभीत ना हो, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ मैं मर जाऊंगा इस बीमारी से। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तू नहीं मरेगा, तो विश्वास रख, यू विल लीव, यू विल हैव अ अबंडेंस लाइफ। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। ये बहुत आयत का जीवन देने के लिए यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आया। मेरे प्रियो, कोई हमें इस बहुत आयत के जीवन से चुराने ना पाए। जब हम इस संसार के अंदर आते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता हम क्या करेंगे, लेकिन प्रभु का आत्मा हमें हर चीज़ सिखाता है। हमें चलना नहीं आता, हमें बोलना नहीं आता, हमें खाना नहीं आता, लेकिन प्रभु का आत्मा हमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता चला जाता है। इस संसार के अंदर आपको किसी भी बात को लेकर व्याकुल नहीं होना। यीशु ने कहा तुम्हारा मन घबराए नहीं, भयभीत मत हो, किसी बात को लेकर डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीतने वाला कोई इंसान नहीं है, इस संसार को जीतने वाला राजाओं का राजा है। और उसने तलवार से नहीं जीता, उसने अपने पवित्र लहू को बहाकर इस संसार में पाए जाने वाली हर चीज को जीत लिया। आज संसार में है क्या? दुख, तकलीफ, बीमारी, कर्सेस और अंधकार, इन सब के ऊपर यीशु मसीह राज कर चुका है, इन सब के ऊपर यीशु मसीह जयवंत हो चुका है। आज वो आपसे कहता है मेरी बेटी तू किसी बात से मत डर, कल के विषय में चिंता मत कर, मृत्यु के विषय में चिंता मत कर, जब ये डेरे सरीका घर गिराया जाएगा तो स्वर्ग में पिता के हाथ से बना हुआ मकान तुमको मिलने के लिए जा रहा है। व्हाई यू वरिंग अबाउट दिस कि हम क्या करेंगे, व्हाई यू वरी अबाउट टुमारो कल क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता क्यों करते हो, आज की चिंता करो, कल के लिए कल का ही दिन काफी है, कल भी मैं हूँ। और प्रभु का वचन कहता है हमारा परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, जैसे वो कल था वो आज है और वो हमेशा तक एक सा रहेगा। ही इज नेवर चेंज, वो कभी नहीं बदलता, ही इज नेवर चेंजिंग गॉड, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। व्हाई यू वरी अबाउट एनीथिंग, किस बात की चिंता? हम बच्चों के विषय में चिंता करते हैं कई बार, ओह प्रभु मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी एजुकेशन का क्या होगा, आफ्टर डिग्री वो क्या करेंगे, एक अच्छा जीवन साथी उनको कैसे मिलेगा, ये सब हम सोचते हैं। लेकिन हमसे पहले उन बच्चों का जो पिता है, जो बाप है, जिन्होंने उनको आपके हाथों में सौंपा है, वो इन बच्चों के बारे में चिंता करता है। उन्हें पता है कि आपके बच्चों का क्या होना है। आप बच्चों के बारे में सोच सोच के क्यों भूलते हो, क्यों अपना आनंद, अपनी शांति को चुरने देते हो? शैतान तो चुरा रहे में बहुत बहुत एक्सपर्ट है, वो आपकी हर चीज़ चुराना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है।
वो आपके आनंद को चोरी करता है, सबसे पहले वो आपका आनंद चुराएगा। जैसे ही आनंद चुराएगा उसकी जगह वो चिंता डाल देगा, जैसे वो चिंता डालेगा चिंता के साथ डिप्रेशन डाल देगा, जैसे डिप्रेशन डालेगा आपको वो आइसोलेट कर देगा, आप सबसे अलग हो जाओगे। जैसे आपके अंदर चिंताएं आती हैं, डिप्रेशन आता है, आप अकेलापन ढूंढने लगते हो, और यही तो वो चाहता है कि आप अकेले हो जाओ, आप किसी का अपने साथी के साथ ना बैठो, आप अपने माता पिता के साथ ना बैठो, आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ ना बैठो, आप अपने आप को अलग कर लो, वो यही चाहता है। और पौलुस इस बात को जान चुका था, पौलुस ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो। फिर से मैं आपके साथ पढ़ूंगी, यहाँ लिखा है फिलिप्पियों 4:16 में लिखा है, हालेलुया, फिलिप्पियों 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की चिंता मत करो, पौलुस इस बात को कहता है, अरे तुम क्यों चिंता करते हो, चिंता मत करो बल्कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और प्रार्थना के साथ हर बात को परमेश्वर के आगे रखना सीखो, निरंतर प्रार्थना करो, जिस बारे में चिंता कर रहे हो उस बारे में प्रार्थना करना शुरू कर दो। और एक बात और, चिंता जो है, जो हम फियर है, डर है, चिंता है, ये फेथ का ऑपोजिट है। अगर फेथ नहीं है तो ये चीज़ें आ जाएंगी, और अगर फेथ है तो ये चीज़ें नहीं आएंगी, याद रखिए। अगर फेथ है तो ना चिंता आएगी ना डर आएगा, और फेथ नहीं है सबसे पहले ये चीज़ें आएंगी। इसलिए हमारा जीवन जो प्रभु में है, जो यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार कर चुके हैं, यीशु को अपना नजात दहिंदा स्वीकार कर चुके, अपना यीशु मसीह को अपना रिडीमर स्वीकार कर चुके हैं, हमारे जीवन में वो होगा जो परमेश्वर चाहेगा। आपका और मेरा लाइफ इज डिज़ाइंड बाय गॉड इटसेल्फ, हमारा और आपका जीवन परमेश्वर ने डिज़ाइन किया है यीशु मसीह में आने के बाद। जब आप कुलुसियों पढ़ते हो, और कुलुसियों और उसका पहला अध्याय, और वहाँ पे साफ लिखा है, दूसरा अध्याय और उसके कुलुसियों 2:4 मैं आपके साथ पढ़ूंगी, वहाँ लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया, विधियों का क्या लेख था, शैतान ने आपके लिए और मेरे लिए एक ऐसा प्याला बना के रखा हुआ था, एक ऐसा स्ट्रैटर्जी बना के रखी हुई थी कि वो आपके और मेरे जीवन को नाश करना चाहता था। लेकिन जिस घड़ी यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा, उसने विधियों का वो लेख मेरे और आपके सामने से हमेशा के लिए हटा दिया। अब वो विधियां हम पे प्रभुता नहीं करती, वी आर नॉट गवर्न्ड बाय द विधि और डेस्टिनी और फेट, ये सब चीज़ें हमारे साथ नहीं है। आज बहुत सारे लोग फेट को ठीक करने के लिए, अपनी किस्मतों को सुधारने के लिए चांद तारों का मुँह देखते हैं, अंगूठियों का मुँह देखते हैं। आई एम सॉरी टू से, आप प्रभु में होकर अगर इन चीज़ों को देख रहे हो, जोडियाक साइंस को देख रहे हो, इन सब चीज़ों को देख रहे हो, राशि फलों को देख रहे हो, आप परमेश्वर के विरोध में गुनाह कर रहे हो, ये गुनाह है। आप परमेश्वर से ज़्यादा उन चीज़ों को महत्व दे रहे हो जिन्हें प्रभु ने बनाया है, वो अपने काम के लिए रची गई है, वो आपकी राशियाँ आपको अच्छा और बुरा बनाने के लिए नहीं रची गई हैं। ये तो शैतान का एक झूठ है, मिथ है, कि वो लोगों को इसमें अटका के रखना चाहता है ताकि वो अपने क्रिएटर गॉड से दूर होकर चांद तारे राशि फलों पर अटके रह जाएं, उनके डायरेक्शन के अनुसार अपनी लाइफ को चलाएं। अगर वो अच्छे हैं, वो ठीक हैं, तो वो खुश हैं। अगर आज उन्होंने राशि फल उनका खिलाफ आ गया, कुछ बुरा आ गया, उनका डाउन हो गया फेस, नहीं मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है उसने विधियों के लेख को जो आपके और मेरे खिलाफ में था कीलों से जड़ा है, कीलों से जड़ा है, उसको कीलों से जड़कर क्रूस पे चढ़कर सामने से हटा दी। अब कुछ नहीं है आपके लिए, कोई बुरी चीज आपको अटैक नहीं कर सकती। इफ यू आर अबाइड विद लॉर्ड जीसस, अगर आप यीशु के साथ जुड़े हुए हो, आज आपके हाथ में है आनंदित रहना। परमेश्वर ने तो सब कुछ दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो उसके पास था आखिरी चीज थी उसका पुत्र, वो दे दिया आपके लिए और मेरे लिए। हम डिजर्व नहीं करते थे यीशु मसीह के लिए, हम डिजर्व करते थे मृत्यु को, हम डिजर्व करते थे हेल को, हम डिजर्व करते थे शियोल को, हम डिजर्व करते थे हमेशा की नाश को, लेकिन वो उसका अनुग्रह, उसका फेवर, उसका अनुग्रह जो हुआ है, ग्रेस अपॉन ग्रेस,
अनुग्रह पे अनुग्रह करके उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दिया है मेरे प्रियो। और पौलुस कहता है, प्रभु में आनंदित रहो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो चुका है। चिंता करते हो तो प्रार्थना करना शुरू कर दो, प्रार्थना करके तो देखो बड़े बड़े पहाड़ तुम्हारे सामने से हट जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करके विश्वास के साथ कहते हो तो पहाड़ भी तुम्हारे सामने से सरक जाएगा और तुम्हें किसी भी बात, कोई भी बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। प्रार्थना करना और विश्वास रखना। आज मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ों को फेस करने के लिए दुखी हैं, डर रहे हैं कल क्या होगा, लेकिन प्रभु में आनंदित रहो। आनंद को पकड़ के रखो, अपने जॉय को, होल्ड योर जॉय, होल्ड फास्ट योर जॉय, अपने आनंद को पकड़ के चलिए। अगर आनंद को पकड़ के चलोगे, टुमारो विल बी चेंज इटसेल्फ, टुमारो अपने आप बदल जाएगा, कल अपने आप बदल जाएगा। वही आनंद जो आज है वो कल में जाएगा आपके साथ साथ, और आप सब कुछ हर चीज़ को बदला हुआ देखोगे। और प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, कि प्रभु की शांति, यीशु मसीह की शांति जो समझ से एकदम परे है, वो तुम्हारे विचारों और तुम्हारे ख्यालों में, तुम्हारे हृदय में बस जाएगी। वो कब बसेगी? जब आप आनंदित रहोगे। प्रभु में आनंदित रहना मेरा और आपका पहला फर्ज है। एक आदमी जो चारों तरफ से दुखी था, तकलीफ में था, कोड़ों से मारा जा रहा था, उसको कल के विषय में नहीं पता था कि कल वो जिंदा रहेगा भी या नहीं रहेगा, वो आदमी इस बात को लिख रहा है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। मैं फिर से कहता हूँ, तुम्हें प्रभु को स्मरण करा के कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। दुनियावी चीज़ों में आनंदित मत रहो, दुनिया की चीज़ तो बदलती चली जाती है, ये तो एक ट्रांजिएंट शेडो है जो बदलता चला जाएगा, लेकिन प्रभु का शेडो, परमेश्वर का शेडो कभी नहीं बदलेगा। इट इज स्टेबल, वो हमेशा एक सा है। आपका आनंद प्रभु के अंदर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्रभु आपके लिए ना करे। जब आप पुकार उठते हैं वो आपकी सुनता है, जब आप मांगते हैं वो आपके लिए करता है, बड़े बड़े उपाय परमेश्वर करता है। बोट खाली थी लेकिन पतरस की बोट कुछ ही पलों में भर गई, रात भर जाल डाला कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही यीशु आया बोट कैसे भर गई? यीशु के आने से भरी। आपके जीवन की रुकावटें, आपके जीवन की डेफिशिएंसीज, आपके जीवन के आंसू, आपके जीवन की निराशा, रूखापन, सूखापन कैसे जाएगा? व्हेन यू इनवाइट जीसस इन योर बोट, जब आप यीशु को अपने जीवन की नाव में बुलाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग विल बी चेंज ऑल टुगेदर, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ बदल देता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे, और मैं विश्वास करती हूँ आज का ये वचन आप सबके लोगों को, मनों को टच करके गया है। आनंद को जगा दीजिए, दुख को जगा मत दीजिए। आनंद को जगा दीजिए, चिंता को जगा मत दीजिए। अपने हृदय में, अपने मन में गिव प्लेस टू द जॉय ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के जॉय को जगा देंगे, सब कुछ बदल जाएगा। अपने आप को प्रभु के हाथों में रखें, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखें, और परमेश्वर सब कुछ बदल देगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आइए अपने आँखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, और ये समय हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आनंद हमसे कोई नहीं छीन सकता। आपका आनंद है जो हमें दुखों में भी हंसना सिखाता है, आपका आनंद है जो हमें तकलीफों के ऊपर आनंदित होना सिखाता है, क्योंकि हमारे यीशु ने सब कुछ जीता है। आज हम उसके द्वारा जिंदा हैं, उसमें जिंदा हैं, और जब तक वो चाहेगा हम जिंदा रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे, और हमारी सारी बातें यीशु में पूरी होंगी। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ जिनके हृदय दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेसिव हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपका आनंद उन्हें इसी समय महसूस होने पाए। प्रभु आप उन्हें टच करें, स्वर्गीय आनंद दें, उनके जीवन में आनंद आए, फ्रस्ट्रेशन दूर हो, आंसू दूर हो, और आपके वायदे उनके जीवन में और ज़्यादा डीपेस्ट होने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में कोई बीमार है, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें। हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक को प्रभु आप अपने अनुग्रह से भर के और इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे, और प्रभु में सदा आनंदित रहिए। मैं फिर से कहती हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, एंड शालोम एवरीवन।